हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे, और मैं हूँ रेखा, आप सभी की सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स बुक के द्वारा। आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो तो मैंने डाला है फिर आप किस लिए, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पहले बोल दे रही हूँ, क्योंकि ये जो लोग कोर्स कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही जानकारी से भरा है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं संडे के सवाल जवाब को ऐड कर सकती हूँ या कि मैं आने वाली वीडियो के बारे में बता सकती हूँ। आज क्वेश्चन आंसर को ऐड नहीं करूँ, आने वाले वीडियो के बारे में बता दूंगी आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है। तो ये वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है। तो इसका जो है, इसके बाद की जो वीडियो है वो मेरी, ये वीडियो जो है ये मेरी है, ठीक है। मुझे वैक्सिंग सूट नहीं करती है, तो ये मैं बताने वाली थी आप। तो जब जिनको वैक्सिंग सूट नहीं करती, यानी कि सूट नहीं करना, बाल निकालना सूट नहीं करता है, क्योंकि वैक्सिंग जब सूट नहीं करती तो वो 24 घंटे बाद उसका समझ में आता है, लेकिन जब बाल आपको निकालना नहीं सूट करता है, यानी कि जड़ से, तब ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि किस तरीके से, तो ये देख सकते हैं आप, जिनको बाल निकालना सूट नहीं करता है, वो एक हफ्ते के बाद क्या होता है कि एक हफ्ते के बाद आपके बॉडी पे इस तरीके से दाने, चाहे वो फेस के हों, चाहे वो हैंड के हों, कहीं के भी हों, इस तरीके से दाने आपको निकल आते हैं एक हफ्ते बाद। क्योंकि जब वो बाल निकलते हैं आपकी बॉडी से, जड़ से, तो वो बहुत खुजली करता है। तो आपको क्या होता है कि वो खुजली जब करेगा तो आप खुजलाओगे, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में हो रहा है। तो इस तरीके से होता है कि ये सूट नहीं करता है किसी को बाल निकालना, ये कह सकते हैं किसी को बाल निकालना सूट नहीं करता। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, जैसे कि अब शादी वादी है तो उनको तो कराना ही है, तो उस स्थिति में आपको क्या चीज़ें यूज करनी है, कैसे, मतलब आपको इन चीज़ों से बचना है। थोड़ा सा तो आप बर्फ यूज करिए ताकि ठंडक रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कैंडिड, ये आप आगे देखेंगे पाउडर, इसको आपको यूज करना है, यानी कंटिन्यू यूज करना है जब तक आपके बाल दोबारा नहीं आ जाते हैं। जब आपके बाल दोबारा आ जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये पाउडर यूज करना है। और अब मैं आगे जो है, तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोगों को हो जाती है, मुझे होती है, यानी कि 100 में 4। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हेयर केयर के बारे में है। आगे जो वीडियो जाएगी वो हेयर की जाएगी, जो हेयर कितने, देखिए पहला तो मैं बता दूं हेयर क्या होता है, ठीक है। कितने इसमें है, जैसे स्किन में कितने लेयर होते हैं, उसी तरीके से ठीक इसी इसमें भी 3 लेयर्स होते हैं। और ये देख सकते हैं हेयर के प्रकार, हेयर कितने प्रकार के होते हैं, फिर हेयर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हॉट ऑयल क्या होता है, और ये किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये आप इस तरीके से वीडियो में देख सकते हैं। हेयर ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि एक ब्यूटीशियन के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हेयर को लेकर, स्किन को लेकर, तो इसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को पहले एक बार बुक में बता के तब थ्योरी लिखवाऊँ, या मैं डायरेक्ट थ्योरी लिखवाऊँ, क्योंकि थ्योरी मैं इसी से लिखवाती हूँ, लेकिन इतना तो मैं नहीं उतरवा सकती ना, ये तो बुक उतारना हो गया। लेकिन आप जब इसको पढ़ते हो, जिन लोगों के पास बुक नहीं है, तो उन्हें ये क्या होता है कि इसमें पढ़ने से, बताने से उनको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनके पास बुक है उनको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है। तो मैं उसी में कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग ये देख लीजिए, मुझे कमेंट करके, जो लोग देख रहे हैं चैनल को, वीडियो को, वो लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं पहले इसको बुक से आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बता दूँ, फिर शॉर्टकट में इसकी थ्योरी लिखवाऊँ। तो ये आप लोगों से मैं बस पूछना चाह रही थी, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज संडे का दिन था, संडे के सवाल जवाब का दिन था, तो मैं आज की वीडियो नहीं बना पाई किसी कारण से, या कि बहुत मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों के थे उसको मैंने कमेंट में ही, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे नहीं, मैंने उसको कमेंट में कर दिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज की मैं संडे की वीडियो डालूं। तो संडे में बस यही था कि हमारे सब्सक्राइबर ने पूछ ली, मैम डाला नहीं आपने वीडियो, तो 2 का लॉकडाउन और लग रहा है, सैटरडे और संडे, तो इस वजह से मैं शॉप पे जा नहीं पा रही हूँ, तो वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, घर में ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो बस उसी के कारण वीडियो नहीं गई है। और मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए ये जो था पार्लर कोर्स में, मेकअप को छोड़ के बाकी जो चीज़ें थी वो मैं इस चैनल पर सिखाऊंगी, और जो मेकअप होगा वो बेसिक से लेकर एडवांस तक का वो मैं दूसरे चैनल पर सिखाऊंगी। तो उस चैनल का नाम अभी मैंने सोच रही हूँ कि मैं रखूँ, क्या उसका नाम रखूँ जो बहुत ईजी हो और बहुत जल्दी से वो चीज़ें याद रहें, और सब मतलब अच्छा सा वो नाम ढूँढूँ। तो आप लोग हेल्प मेरी कर सकते हैं कि मैं उसका क्या नाम रखूँ। फिर भी मैंने सोचा है कि मेकअप कोर्स रख दो उसमें, ताकि वो सब लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ इसमें मैं मेकअप का कोर्स करवाऊंगी। तो मैंने अभी तक जो सोच के रखा है वो मेकअप कोर्स रखा है चैनल को सोच कर। यदि आप लोगों को कुछ अच्छा सा समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, और उस चैनल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि उस चैनल पर मैं
आप लोगों को जीरो से लेकर जिस तरीके से मैंने इस पे बताया है आप लोगों को डिटेल में, उस तरीके से उसमें भी बुक से पहले आप लोगों को फेस के हर पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छी तरीके से कि किसको क्या बोला जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो है हर पार्ट को पहले समझा दूंगी अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या क्या प्रोडक्ट लगते हैं और किस प्रोडक्ट का क्या काम होता है। जब आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगी तब मुझे आपको मेकअप बताने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जब हमने जैसे कि हमें उठाया कि यहाँ पर प्राइमर लगेगा तो आप प्राइमर क्या है क्या काम करता है ये चीज़ आपको पहले पता होगी तब आप बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगी। ठीक है, तो बस वही चीज़ें हैं और शायद वो बहुत इमेजिंग होगा वो चैनल, क्योंकि उस चैनल पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पार्लर ना करके सिर्फ आप मेकअप को ही अगर करते हैं तब भी अच्छा खासा पैसा, यानी कि पार्लर से भी कहीं ज़्यादा आप उस पर अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे जो होते हैं हमें वो मेकअप में ही होते हैं, क्योंकि हम जो महीने के 25,000 कमाते हैं पूरे पार्लर का काम करके, वो हम एक ब्राइडल अगर हमको मिल जाता है 25,000 का तब हम कमा लेते हैं। तो देखा जाए और वो बहुत कम समय में भी, जैसा कि हम ब्राइडल मेकअप करते हैं 2 से 2.5 घंटे में हमें 10 से 15-20 हज़ार रुपये मिल जाता है जो रेट हम लेते हैं, और वही चीज़ मुझे अगर मैं एक उदाहरण देती हूँ तो लोग 25,000 कमाने में पूरे महीने पार्लर के और अदर काम में लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं उस चैनल पे भी बताऊँगी और किस तरीके से आप हर सब कुछ ना करके सिर्फ जो है मेकअप का ही करके आप किस तरीके से पैसा कमा सकती हैं, और बेसिक भी करके एडवांस भी करके, और कितने मेकअप में कितने आपके कैरियर के जो स्कोप हैं वो कितने हैं। अभी रुक जाओ, हाँ लाए होंगे, तो मेरी बेटी है वो कुछ बोल रही हैं तो आप लोग इसको माइंड मत करिएगा क्योंकि घर पर हूँ। तो इस तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी और आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगी कि कितना मेकअप में कितने पैसे हैं। इतने ज़्यादा हैं कि मतलब आप उस मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर सोच लीजिए कि 25,000 रुपये आप एक ब्राइडल का लेती हैं, आपके यहाँ अगर 4 ब्राइडल आ गई तो आप एक दिन में 1,00,000 रुपये अच्छे से कमाते हैं। ये अच्छे पार्लर में इससे कहीं ज़्यादा, लगभग 8-8, 10-10 ब्राइडल्स एक एक दिन में तैयार होती हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं 3-3, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपये जो होता है वो एक दिन पर डे गिरता है। तो मतलब बहुत इसमें पैसा, और इसको सीखने मेकअप सीखने के बाद आप कहीं भी देश दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप किसी मेकअप के असिस्टेंट बन जाइए, उसके से भी आपको पैसा है, क्योंकि आप उनके साथ रहोगे तो आप उनको प्रोडक्ट को देना ये सब सारी चीज़ें वो मतलब ये होती है हेल्प करते हो तो भी अच्छे पैसे हैं, और उनके साथ आप सीखते हो, सीखने के बाद आप अपना खुद का सैलून खोल सकते हो, मेकअप स्टूडियो खोल सकते हो, सैलून नहीं मेकअप स्टूडियो खोल सकते हो, मतलब बहुत सारी आप कहीं पर जॉब कर सकते हो। आपको शुरुआत के 25 से 30 हज़ार रुपये मिलते हैं और मेहनत बहुत कम है। तो इस तरीके से यही सारी चीज़ें नॉलेज और किस तरीके से मेकअप किया जाए, कहाँ खोला जाए, ये सारी चीज़ें मैं उस चैनल पे बताऊँगी। तो आज की जो वीडियो थी लगभग उस चैनल के लिए भी थी, तो आप मैं कोशिश करूँगी कि मैं मंडे से उसको स्टार्ट कर दूँ, और नहीं हो पाया तो फिर उसके आगे 1-2 दिन जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप सभी लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो।